हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम एक जटिल शब्द FMCG को आसान शब्दों में सीखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल दबंग एनालिस को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लें। FMCG प्रोडक्ट को जनरली हम बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट जो कि तुरंत बनते हैं कंपनी में, तुरंत डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वहां से रिटेलर के पास, फिर लोगों के पास, फिर ये तुरंत निकल जाते हैं, उपयोग हो जाते हैं। इसमें कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि आपका सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, ब्रेड, मिल्क, बटर एक्सेट्रा, जो कि तुरंत आते हैं, तुरंत फ्रेश रहते हैं और निकल जाते हैं। कुछ कुछ समय इनकी जो एक्सपायरी डेट रहती है कुछ हफ्ते से लेकर कुछ महीनों तक की भी रहती है। इसमें जो प्रोडक्ट रहते हैं वो जनरली लो प्राइस के रहते हैं, जिसके कारण कि कंपनी को इसमें कम मार्जिन में प्ले करना पड़ता है, लेकिन जो प्रोडक्ट है उनका वॉल्यूम जो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिसके कारण कि कंपनी जो है वॉल्यूम में गेम खेलती है यहाँ। और जितना जल्दी ये सेल्फ लाइफ से निकल जाता है उतना ज़्यादा अच्छा रहता है कंपनियों के लिए, रिटेलर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, एक्सेट्रा। अब हम जानते हैं कि इसमें प्रोडक्ट के साथ साथ कौन कौन सी कंपनी आती है। आप अगर सुबह उठते हो तो आप ब्रश करते हो तो आप कोलगेट उपयोग करते हो, या डाबर उपयोग करते हो, या पतंजलि उपयोग करते हो, तो वो जो टूथपेस्ट की कैटेगरी है उसमें आ जाता है कोलगेट, एक प्रकार का FMCG प्रोडक्ट। फिर आप नहाते हो तो नहाओगे तो साबुन उपयोग करोगे, तो पियर्स है, कई सारे ऐसे साबुन है, लाइफ बॉय, पियर्स, डिटॉल एक्सेट्रा, जिनकी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर एक्सेट्रा है। अब जब आप नहा लेते हो तो उसके बाद तैयार होके ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो या अलग अलग जगह जाते हो, तो आप तैयार होने से पहले पैरासूट वाला नारियल तेल तो उपयोग किए ही होगे। हाँ, वही जो आप अपने सर पे लगाते हो, वो आता है प्रोडक्ट मैरिको का। तो मैरिको का भी जो प्रोडक्ट है वो FMCG कैटेगरी के अंदर आ जाता है। अब ये जो FMCG प्रोडक्ट है वो तीन हिस्से में डिवाइड की गई है। एक होता है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि 3 साल से ज़्यादा चल सकते हैं। दूसरा आता है नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, यानी कि वो चाहे तो 1 हफ्ते से भी कम सेल्फ लाइफ रह सकता है, या तो वो 1 साल के अंदर भी उसके सेल्फ लाइफ रहता है जिसके अंदर वो एक्सपायरी डेट हो सकता है। इसमें थर्ड कैटेगरी है सर्विस, जैसे कि आप अपने घर में बाई रखते हो जो काम करती है, अगर वो नहीं आएगी तो आपको दिक्कत हो जाएगा। आप हेयर कट करवाते हो, वो एक प्रकार का FMCG में सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। अगर आपका 2 हफ्ता 3 हफ्ता या 2-3 महीने में बाल नहीं कटे तो दिक्कत हो सकता है, तो ये भी एक प्रकार से सर्विस में आ गई। ब्यूटी पार्लर भी आ गया इस सर्विस में। तो ऐसे कई प्रकार के जो सर्विस हैं वो भी इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। अब ये जो FMCG प्रोडक्ट है वो बहुत कम मार्जिन वाला प्रोडक्ट है, यानी कि इसमें प्रॉफिट भी बहुत कम होता है। जैसे कि आपका अगर 100 रुपये का टूथपेस्ट है तो उसको पूरा कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके, उसको मैन्युफैक्चर करके, डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा रिटेलर पहुंचा के और आपके फिनिश्ड कंज्यूमर तक पहुंचाते 1 यूनिट में, उनको मुश्किल से बहुत कम मार्जिन का फ़ायदा होता है, जिसके कारण कि इसमें बड़े बड़े वॉल्यूम से काम होता है। ये जो FMCG सेक्टर है वो एक हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, यानी कि यहाँ थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी हुई तो कोई दूसरा प्लेयर जो है आके ओवरटेक कर लेगा और आपकी कंपनी का मार्जिन जो है खा देगा। इस FMCG सेक्टर में कुछ चुनिंदा कंपनी है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, मैरिको, नेस्ले, कोको कोला, पेप्सिको एक्सेट्रा। आपने उस प्रोडक्ट को तो उपयोग किया ही होगा बियर्ड लाने के लिए, जिसका नाम है बियर्डो। हाँ, सही समझा आपने, उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया भाई मैरिको के द्वारा, और वो भी एक प्रकार से FMCG क्लास के अंदर आ गया है। ये जो FMCG सेक्टर है वो सेफ सेक्टर कहलाता है। यहाँ पर लो ग्रोथ लेकिन स्टेबल रिटर्न रहते हैं। इस सेक्टर में जनरली डिविडेंड बहुत ज़्यादा दिया जाता है। इस सेक्टर सेफ इसलिए है क्योंकि दुनिया में चाहे जितनी भी मंदी आ जाए या चाहे जितना भी रिसेशन आ जाए, कोई भी आदमी अपने कंजप्शन पैटर्न को बदलेगा नहीं। जैसे कि अगर वो सुबह उठता है तो वो कोलगेट या ब्रश तो करेगा, चाहे वो कोलगेट ना ले लेकिन कोई दूसरी प्रोडक्ट तो लेगा, वो आ जाएगा FMCG सेक्टर के अंदर। वो नारियल तेल लेगा या नारियल तेल नहीं लेगा तो कोई और सारा तेल लेगा,
तो आ जाएगा एफएमसीजी सेक्टर के अंदर। सोप उपयोग करेगा तो आ जाएगा एफएमसीजी सेक्टर के अंदर। तो ये ओवरऑल खर्चे का कंज्यूमर का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है, जो कि हर बार वो अपने राशन जब भी कोई कंज्यूमर लेके आता है तो इसको अवश्य लाता है, चाहे जितनी भी आर्थिक मंदी आ जाए। तो ये जो सेक्टर है एक प्रकार से डिफेंसिव प्ले भी कहते हैं निवेश करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। और ऐसे जटिल शब्द जो आपको समझ में ना आए उसे आप कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको आसान भाषा में उसे समझा सकें।